हेलो दोस्तों, जोश मेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पीआरटी की एक नई मेरिट लिस्ट या वेटिंग लिस्ट हमारे सामने है और वो है अल्मोड़ा ज़िले की। तो दोस्तों, इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो बीएड से होने वाले हैं, क्योंकि अल्मोड़ा में बहुत सारी सीटें थी। आप देख सकते हैं 22 अप्रैल को ये जारी हुआ है। और दोस्तों, इसकी जो काउंसलिंग की डेट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 25 अप्रैल 2022 को जिला परियोजना कार्यालय सर्व शिक्षा अभियान अल्मोड़ा में ये रखी गई है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं लिस्ट में कितने बीएड के स्टूडेंट हैं और कहाँ तक जो है बीएड वर्ष के छात्रों का नंबर आया है। दोस्तों, सबसे पहला पेज यहाँ पर आप देख रहे होंगे पीसीएम यूआर यानी अनरिजर्व्ड में डीएलएड के स्टूडेंट की ये मेरिट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट, यहाँ पर स्पष्टता नाम यहाँ पर है छात्रों के जिनका डीएलएड से चयन हुआ है पीसीएम में, और गुणांक भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद अगर अगले पृष्ठ पर चलें तो ओबीसी में यहाँ पर एक स्टूडेंट का नाम है और पीसीएम में। इसके अलावा अगर अदर साइंस में बात करेंगे, दोस्तों ये सामान्य कैटेगरी चल रही है, तो यहाँ पर दो स्टूडेंट के नाम है अदर साइंस में। इंग्लिश में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चार कैंडिडेट के नाम यहाँ पर आए हैं जनरल में, और गुणांक आप यहाँ पर इनके देख सकते हैं। तो ये सारे अभी डीएलएड के स्टूडेंट हैं। बीएड के इसके बाद शायद आएंगे अभी इसमें लिस्ट में नीचे। इंग्लिश में ओबीसी कैटेगरी में डीएलएड के एक स्टूडेंट का नाम है, और गुणांक की अगर हम बात करेंगे तो 70 यहाँ पर गुणांक रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अगर अदर आर्ट की बात करेंगे यूआर में, तो 9 कैंडिडेट के नाम आप देख सकते हैं क्लियरली, और गुणांक भी आप यहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगले पृष्ठ पर चलेंगे तो अदर आर्ट ओबीसी में 3 स्टूडेंट के नाम आए हैं और गुणांक आप देख सकते हैं 73, 72, 71 यहाँ पर गुणांक रहे हैं। पीसीएम में एससी कैटेगरी की बीएड के स्टूडेंट के लिए लिस्ट है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 कैंडिडेट के नाम यहाँ पर जो आए हैं पीसीएम में एससी में। और अगर इनके बीएड ईयर की बात की जाए तो तीनों के बीएड ईयर दोस्तों यहाँ पर 2010 बीएड वर्ष रहा है पीसीएम में एससी कैटेगरी में। इसके अलावा पृष्ठ में अगले पृष्ठ पर चलेंगे तो जेडबीसी में यूआर अनरिजर्व्ड की एक कैंडिडेट का नाम है, और बीएड वर्ष की बात करेंगे तो 2007 बीएड वर्ष यहाँ पर रहा है जेडबीसी में अनरिजर्व्ड में। इसके अलावा अगर जेडबीसी में एससी की बात करेंगे बीएड में, तो यहाँ पर 2 कैंडिडेट का नाम है, और बीएड वर्ष की अगर हम बात करेंगे तो बीएड वर्ष 2009 का यहाँ पर जो है सिलेक्शन हुआ है जेडबीसी एससी कैटेगरी में। एसटी कैटेगरी की बात करेंगे जेडबीसी सब्जेक्ट में ही, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएड वर्ष 2009 और कैंडिडेट के नाम आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों, अगर लिस्ट में अगले पृष्ठ पर चलेंगे तो जेडबीसी में ओबीसी के अंदर 3 स्टूडेंट का नाम आया है, और बीएड वर्ष की अगर हम बात करेंगे तो बीएड वर्ष 2006 और 2007 का यहाँ पर चयन हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, अदर साइंस में अगर एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो एक कैंडिडेट का नाम आया है और बीएड वर्ष रहा है 2007। इसके अलावा पृष्ठ में अगले पृष्ठ पर चलेंगे हिंदी में ईडब्ल्यूएस बीएड में एक कैंडिडेट का नाम आया है, और अगर बीएड वर्ष की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2006 बीएड वर्ष यहाँ पर रहा है। इसके अलावा इंग्लिश की बात करेंगे ईडब्ल्यूएस में, तो एक कैंडिडेट का इसमें भी चयन आया हुआ है, और बीएड वर्ष जो यहाँ पर रहा है वो रहा है 2007। और इसके अलावा दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों ये लिस्ट होती है फिनिश। इसके अलावा अन्य जिलों की लिस्ट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जोश मेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जल्दी से जल्दी आप तक सारी लिस्ट को पहुँचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।